हाँ, ये वीडियो मैम सुषमा स्वराज के लिए स्पेशली है और हम उनको बताना चाहते हैं कि कुवैत के इंडियन एम्बेसी की क्या हाल है प्रेजेंट टाइम में, और यहाँ की हालत बहुत ही खराब है। पहली बात, यहाँ पे लोगों को बुलाया जाता है कि आप आ जाइए, हम लोग कोई कंप्लेन होता है, कोई दिक्कत होती है तो हम लोग एम्बेसी में फोन करते हैं, तो यहाँ से कहते हैं एम्बेसी वाले कि आप आ जाइए, 10 से 15 दिन में आपको इंडिया भेज दिया जाएगा। और जब हम लोग एम्बेसी में आते हैं तो यहाँ से 2 से 3 महीना हो जाता है, 4 महीना हो जाता है, किसी को 6-6 महीने हो जाते हैं, मगर कोई भी सुनवाई नहीं होती है, ना ही कोई इंडिया जा पाता है। और ये लोग यहीं पे एम्बेसी के शेल्टर रूम में बैठे रहते हैं, परेशान रहते हैं। यहाँ भी लोग परेशान होते हैं, गरीब लोग, और उसके बाद इंडिया, तो इनके परिवार वाले जो परेशान हो रहे होते हैं, हो ही रहे होते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ 2-3 लोग हैं जो बहुत परेशान हैं, उनके बारे में बताना चाहते हैं। मैम प्लीज उनके बारे में सुनिए और कुछ कार्रवाई कीजिए ताकि हमारे इंडियन एम्बेसी की जो स्थिति है कुछ सुधरे। भैया पहले आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। हाँ नमस्कार मैडम, मैं मोहम्मद सलीम बोल रहा हूँ, यूपी से हूँ। मैं कोयट में, मेरे को वीजा दिया कि बिल्डिंग का काम करना है, यहाँ कोयट के घर पे आया, उसके बाद बिल्डिंग का काम भी नहीं करा रहा है, पूरा घर का काम करवा रहा है। बकरी 150-200 है, वो भी करवा रहा है। फिर रात में 2-2 बजे रात तक के आता है, बकरी लेके बोलता है अभी इसको साबुन से धो नहला, फिर लेके जाता था सुबह 5 बजे उठा के। न सोने देता है, न पगार देता है, उसके बाद इतना काम करने के बाद खाना देता है तो उसके बच्चे आके खाने में थूकते हैं। उसको बोलता हूँ तो वो बोलता है खल्ली वल्ली। आपने इंडियन एम्बेसी में बात किया था? मैंने इंडियन एम्बेसी में बात किया, इंडियन एम्बेसी बोली मेरे को आप आओ, आपको 10 दिन 15 दिन या 20 दिन में, 1 महीने के अंदर आपको इंडिया भेज दिया जाएगा। यहाँ पे आके मेरे को 3 महीना हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। भैया आप बताइए, आपकी तो माता जी भी गुजर गई हैं, आप बताइए अपना दुख। नमस्ते मैडम, मेरा नाम दिवेश कुमार है, मैं यूपी से हूँ। मैं इधर शेल्टर रूम में आया कोती घर से भाग करके, बहुत तकलीफ करता था कोती, सुबह 7 से लेकर के रात को 2-1 बजे तक काम कराता था, खाना पीना नहीं था, पगार सही नहीं देता था। मैं इधर एम्बेसी में आया, अभी 4-5 दिन हुए, मेरी मम्मी की भी डेथ हो गई, एम्बेसी कोई हेल्प नहीं कर रही है ताकि मैं घर चले जाऊं अपने परिवार में। मेरी परिवार की स्थिति बहुत खराब है, परिवार वाले बहुत तबाह है। मैम प्लीज सर, प्लीज मैम हेल्प मी। इनको देखिए मैम, इनके इनके कुवैती ने इनको मारा, इनका सिर भी फट गया था, उसके बाद देखिए इनकी क्या स्थिति है। नमस्ते, पहले आपका सिर दिखाइए जहाँ फटा हुआ। देखिए आप अपने भाषा में बोलिए, मैम के पास ट्रांसलेटर होते हैं, वो बताएंगे अपनी बात। நான் சென்னை மா நான் குவைத்துக்கு வந்து ஒரு வருஷம் ஆகுது நான் அடிச்சுட்டேன் குவைத்தி அடிச்சு நான் ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்து எம்பசிக்கு வந்தேன் எம்பசியில யாரும் என்ன ஹெல்ப் பண்ணாம உங்க எம்பசி ஷட்டர்ல நிப்பாட்டி இருக்காங்க ஒரு மாசம் ஆச்சு நான் ஊருக்கு போனா போதுமா ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மா நீங்க நீங்க தான் எங்களுக்கு பார்க்கணும் வேற யாரும் பார்க்க முடியாது இப்ப தற்காலிகம் நானும் எம்பசிக்கு 3 தடவை போயிட்டு வந்துட்டேன் யாருமே ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி தெரியலமா
लोग हैं, कुछ लोग अभी यहाँ पे हैं, कुछ लोग सोए हुए हैं, कुछ लोग दूसरे शेल्टर में है। कुल मिला के यहाँ पे कम से कम 50-60 लोग हैं और कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई भी कुछ नहीं, सब फंसे हुए, कोई 2 महीने से है, कोई 3 महीने से, कोई 6 महीने से है मैम। इसलिए और यहाँ के इंडियन एम्बेसी की जो कार्रवाई है बहुत ही धीमी है, बहुत ही धीमी है। इसलिए हम लोग चाहते हैं प्लीज मैम आप कुछ कीजिए और हम लोग को हेल्प करके यहाँ से निकालिए जल्द से जल्द, और एम्बेसी को कम से कम कहिए कम से कम थोड़ा फास्ट काम करे, बहुत ही स्लो काम कर रही है, जिसकी वजह से हम लोग काफी परेशान है और हमारे घर वाले भी बहुत परेशान है। हम चाहते हैं आप इस पे कुछ ना कुछ एक्शन लें, प्लीज टेक स्टेप मैम।